काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम के आज के अध्याय में हम बताएंगे परचेज और सेल्स के वाउचर बनाते समय जीएसटी कैलकुलेट नहीं होने के क्या कारण हो सकते हैं और उनके क्या समाधान हैं। टेली प्राइम में अभी तक हम बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, जैसे कंपनी क्रिएट करना, लेजर्स, स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप, यूनिट इत्यादि क्रिएट करना, रिसीट, पेमेंट, परचेज और सेल्स इत्यादि की एंट्रीज करना, बिल वाइज अकाउंट मेंटेन करना, विभिन्न रिपोर्ट्स देखना, जीएसटी के साथ परचेज और सेल्स की एंट्री करना, जीएसटी रिपोर्ट देखना, इनके अलावा और भी बहुत कुछ। इन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसके माध्यम से आप इन्हें क्रमानुसार देख सकते हैं। टेली प्राइम में जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो कभी कभी जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं और उनके सॉल्यूशन क्या हैं। आज के टॉपिक को समझने के लिए हमने जीएसटी इज नॉट कैलकुलेटेड के नाम से पहले से ही एक कंपनी स्टेट में मध्य प्रदेश सिलेक्ट करके बना ली है। इसमें हमने जीएसटी भी इनेबल कर लिया है, साथ ही जरूरत के सभी लेजर्स और स्टॉक आइटम्स भी बना लिए हैं। हमें आपको इस टॉपिक को समझाने में कम समय लगे, इसलिए हमने पहले से ही इस कंपनी में कुछ ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करके रख लिए हैं। तो आइए पहले हम उन ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए डे बुक ओपन कर लेते हैं। डे बुक के बारे में हम आपको वीडियो नंबर 35 में पहले ही बता चुके हैं। अब हम एक एक करके इन ट्रांजैक्शंस को ओपन करेंगे और उन कारणों को समझेंगे जिसके कारण इनवॉइस में जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो पाता है। तो चलिए पहला ट्रांजैक्शन ओपन करते हैं। ये देखिए, यहां हमने जीएसटी के लेजर्स नहीं लगाए हुए हैं, तो पहले हम उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर हम आपको बता दें कि रमन ट्रेडर्स हमारे ही प्रदेश की पार्टी है, इसलिए यहां हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। ये देखिए, टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। जब टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा हो तो ऐसे में हम जीएसटी टैक्स एनालिसिस की सहायता से इसका कारण ढूंढ सकते हैं। टैक्स एनालिसिस के लिए हम ऑल्टर और ए कीज को प्रेस करेंगे। अब यहां पर देखिए, ऑल्टर और ए प्रेस करने पर टैक्स एनालिसिस की स्क्रीन नहीं आ रही है, पर उसकी जगह पर इंफॉर्मेशन आ रही है, दिस वाउचर हैज नो टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑब्लिक टैक्स एनालिसिस इज नॉट सपोर्टेड। इसका मतलब ये है कि हमने मास्टर्स यानी लेजर, स्टॉक आइटम्स या अन्य किसी जगह पर जहां हम जीएसटी रेट सेट करते हैं, वहां कहीं भी जीएसटी रेट सेट नहीं किया है और यही कारण है कि टैक्स एनालिसिस सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसे चेक करने के लिए हम परचेज अकाउंट पर चलते हैं। अब यहां कंट्रोल और एंटर प्रेस करके लेजर ऑल्टरेशन स्क्रीन पर आ गए हैं। ये देखिए, यहां पर हमने इस जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल की जगह पर नॉट एप्लीकेबल कर रखा है, तो जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा? ध्यान रखें, यदि आप ऐसे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं जिन पर जीएसटी लगता है, तो उससे संबंधित सेल्स या परचेस के लेजर, स्टॉक आइटम या अन्य किसी भी जगह जहां भी जीएसटी सेट करने के ऑप्शंस आते हों, वहां पर इस जीएसटी एप्लीकेबल के सामने एप्लीकेबल ही रखें। अब हम इसको ठीक करके सेव कर लेते हैं। यहां पर हम आपको याद दिला दें कि हमने अपनी वीडियो नंबर 87 में, जो कि टैक्स रेट हायरार्की पर बनी है, उसमें डिटेल में बताया है कि जीएसटी रेट कहां कहां पर सेट किया जा सकता है, और यदि आपने एक से ज्यादा जगह पर टैक्स रेट सेट कर दिए हैं तो वाउचर्स बनाते समय
टैली कौन से लेवल पर लगाए गए टैक्स रेट के आधार पर टैक्स कैलकुलेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने इस जीएसटी एप्लीकेबल के सामने एप्लीकेबल कर दिया है तो अब उसका वाउचर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये देखिए यहां पर सीजीएसटी तो कैलकुलेट हो गया है पर एसजीएसटी अभी भी कैलकुलेट नहीं हुआ है। चलिए हम फिर से ऑल्टर और ए कीज को प्रेस करके टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। ये देखिए अब यहां पर जीएसटी टैक्स एनालिसिस की विंडो आ रही है। इसका डिटेल्ड टैक्स एनालिसिस देखने के लिए हम ऑल्टर और F5 कीज को प्रेस करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं टैक्स एनालिसिस बता रहा है कि ये परचेस टैक्सेबल है यानी इंट्रा स्टेट परचेस है और उस हिसाब से इस वाउचर में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना चाहिए, साथ ही उनका अमाउंट भी कितना होना चाहिए ये भी लिखा हुआ आ रहा है। अब सवाल ये है कि हमारे वाउचर में सीजीएसटी तो कैलकुलेट हो गया है पर एसजीएसटी नहीं हुआ है, मतलब हमने एसजीएसटी का लेजर बनाने में कहीं गड़बड़ की है। हम बैकस्पेस की से एसजीएसटी पर चलते हैं। अब कंट्रोल और एंटर कीज को प्रेस करेंगे। यहां हम ऊपर से चेक कर लेते हैं कि सब सही है या नहीं। ये देखिए नेम सही है, अंडर में हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट किया है ये भी सही है, टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में जीएसटी लिया है ये भी सही है, पर यहां टैक्स टाइप में हमने इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट किया हुआ है जो कि गलत है। हमेशा ध्यान रखें सीजीएसटी के लिए सेंट्रल टैक्स, एसजीएसटी के लिए स्टेट टैक्स और आईजीएसटी के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए हम इसको ठीक कर लेते हैं। ये देखिए इसको ठीक करते ही एसजीएसटी भी कैलकुलेट हो गया है। चलिए अब दूसरा ट्रांजैक्शन ओपन करके देखते हैं। इसमें भी जीएसटी के लेजर्स नहीं लगे हैं तो हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे। अब चूंकि रमन ट्रेडर्स हमारे ही प्रदेश की पार्टी है इसलिए यहां हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। ये देखिए यहां पर भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। चलिए इसका टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए यहां पर नॉन जीएसटी सप्लाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो स्टॉक आइटम है वो नॉन जीएसटी गुड्स है इसलिए टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। नॉन जीएसटी गुड्स क्या होती है वो हम आपको अपनी वीडियो नंबर 93 में बता चुके हैं। अब सवाल ये है कि हमने जो स्टॉक आइटम बनाया है वो तो जीएसटी गुड्स है यानी उस पर तो जीएसटी लगता है, फिर यहाँ पर नॉन जीएसटी सप्लाई लिखा हुआ क्यों आ रहा है। इसके लिए हमें स्टॉक आइटम पर जाकर देखना होगा। तो हम बैकस्पेस की से स्टॉक आइटम पर आ गए हैं। अब यहां कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर सेट ऑब्लिक ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। ये देखिए यहां पर हमने गलती से इज नॉन जीएसटी गुड्स को यस करके रखा हुआ है। ध्यान रखें ऐसे स्टॉक आइटम्स जो नॉन जीएसटी गुड्स में आते हैं केवल वहीं पर हम इस ऑप्शन को यस करते हैं। अब चूंकि एलजी टीवी एक जीएसटी गुड्स है इसलिए हमें इज नॉन जीएसटी गुड्स के आगे नो करना होगा। अब हम इस आइटम की पूरी टैक्स डिटेल्स टाइप कर देंगे और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए जब हम इसे एक्सेप्ट करने जा रहे हैं तो रिवाइज एप्लीकेबिलिटी की छोटी सी विंडो आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि टैली ये समझ रहा है कि पहले ये आइटम नॉन जीएसटी गुड्स था और अब हम इसे जीएसटी गुड्स कर रहे हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये तो शुरू से ही जीएसटी गुड्स है, हमने गलती से इसे नॉन जीएसटी गुड्स में ले लिया था, इसलिए हम साल की शुरुआत की तारीख डालकर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए अब टैक्स कैलकुलेट हो गया है। अब हम देख लेते हैं तीसरी एंट्री, इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें भी जीएसटी के लेजर्स नहीं लगे हैं तो हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे।
अब चूंकि रमन ट्रेडर्स हमारे ही प्रदेश की पार्टी है, इसलिए यहाँ हम CGST और SGST लगाएंगे। देखिए, इसमें भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। चलिए अब हम इसका टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर टैक्स एनालिसिस में लिखा है टैक्स रेट / टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। इसका मतलब यह है कि हमने GST सेट करने के जितने भी लेवल्स हैं, जैसे कंपनी, लेजर, स्टॉक आइटम्स इत्यादि में GST तो एप्लीकेबल करके रखा है, पर उनमें से किसी में भी सेट और ऑल्टर GST डिटेल्स को यस करके टैक्स रेट सेट नहीं किया है। चूंकि इस कंपनी में हमने सिर्फ स्टॉक आइटम्स पर ही GST रेट सेट किए हैं, इसलिए स्टॉक आइटम पर जाकर कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे। सेट / ऑल्टर GST डिटेल्स ऑप्शन को यस करेंगे। ये देखिए, यहां पर हमने गलती से GST डिटेल्स ब्लैंक छोड़ दी थी। चलिए इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। टैक्सेबिलिटी में हमें अननोन के नीचे तीन ऑप्शंस एग्जेम्प्ट, निल रेटेड और टैक्सेबल दिखाई पड़ रहे हैं। इनके बारे में हम आपको अपनी वीडियो नंबर 93 में बता चुके हैं। चूंकि हम इस स्टॉक आइटम पर GST कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी वो टैक्सेबल है, तो यहां हम इनमें से टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे और अब यहां पर टैक्स रेट डाल देंगे। ये देखिए, टैक्स कैलकुलेट हो गया है। चलिए अब चौथी एंट्री देख लेते हैं। आशा ट्रेडर्स मुंबई का सप्लायर है, यानी ये हमारे प्रदेश के बाहर का सप्लायर है, इसलिए यहां पर हम IGST सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो हम देखते हैं इसका टैक्स एनालिसिस। टैक्स एनालिसिस के हिसाब से तो ये परचेस टैक्सेबल है, यानी कि स्टेट के अंदर की खरीद है, और उस हिसाब से यहां पर CGST और SGST लगना चाहिए थे, जबकि हम जानते हैं कि सप्लायर प्रदेश के बाहर का है और उस हिसाब से यहां पर IGST ही लगेगा। इसका मतलब यह है कि हमने पार्टी लेजर बनाते समय पार्टी का स्टेट गलत सिलेक्ट करके रखा है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मुंबई महाराष्ट्र स्टेट में आता है और हमने महाराष्ट्र की जगह पर स्टेट MP ही रहने दिया है। ऐसी गलती प्रायः हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी पार्टी का लेजर बनाते हैं तो यहां पर बाय डिफॉल्ट हमारे प्रदेश का स्टेट ही सिलेक्टेड रहता है, जिसको बदलकर हमको पार्टी के हिसाब से करना होता है, पर कभी कभी हम ये भूल जाते हैं। आइए अब हम इसे ठीक कर लेते हैं। अब ये देखिए, ठीक करने के बाद भी अभी भी IGST कैलकुलेट नहीं हुआ है। हम वापस पार्टी अकाउंट नेम पर चलते हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, पार्टी डिटेल्स में अभी भी हमारे प्रदेश का ही नाम आ रहा है, जबकि हमने पार्टी के लेजर में स्टेट चेंज कर दिया है, यानी हमारे करेक्शन का इफेक्ट अभी यहां पर नहीं आया है। तो अब यहां पर हम स्टेट में मध्य प्रदेश की जगह महाराष्ट्र कर देंगे। ये देखिए, अब टैक्स कैलकुलेट हो गया है। चलिए अब हम पांचवी एंट्री, जो कि सेल्स की है, उसे देख लेते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए पहले हम F12 की प्रेस करके प्रोवाइड बायर डिटेल्स को नो कर देते हैं। हमने अपने कस्टमर विक्रम ट्रेडर्स को जो माल बेचा है उस पर IGST लगा देते हैं, पर ये देखिए, IGST कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो चलिए इसका टैक्स एनालिसिस देखते हैं और समझते हैं क्या प्रॉब्लम है। आप यहां पर देख सकते हैं, टैक्स एनालिसिस में तो सेल्स टैक्सेबल लिखा हुआ आ रहा है और CGST और SGST लगना चाहिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रदेश के अंदर की सेल है जिस पर CGST और SGST लगना चाहिए था, पर हम लगा रहे हैं IGST। इसी तरह कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर हमारे प्रदेश के बाहर का हो, यानी इंटर स्टेट हो,
और हम CGST और SGST लगा रहे हों, जबकि हमें वहां पर IGST लगाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में इस तरह का टैक्स एनालिसिस दिखाई पड़ता है। ऐसी गलतियां प्रायः तब होती हैं जब हम जल्दी में होते हैं और हमें यह ध्यान ही नहीं रहता है कि कस्टमर हमारी स्टेट का है या हमारी स्टेट के बाहर का है। इस प्रकार की गलती से बचने के लिए जरूरी है कि हम F12 की प्रेस करके प्रोवाइड बायर डिटेल्स को हमेशा यस रखें। अब हम वापस पार्टी अकाउंट नेम पर आ गए हैं, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहां पर पार्टी की डिटेल्स आ रही हैं, जिसमें हमको ये मालूम पड़ रहा है कि ये पार्टी मध्य प्रदेश यानी हमारे ही प्रदेश की है। याद रखें, जब भी आप बिल बनाएं, एक बार पार्टी डिटेल्स चेक कर लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि पार्टी आपकी स्टेट की है या आपके स्टेट के बाहर की है, और आप सही टैक्स लगा सकेंगे। अब हम जो छठी एंट्री देख रहे हैं वो परचेस की है। इसमें हमने माना ट्रेडर्स, जो कि हमारे प्रदेश के ही रेगुलर डीलर हैं, उनसे कैश में माल खरीदा है। इस पर CGST और SGST लगाएंगे। पर ये देखिए, टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। अब टैक्स एनालिसिस में हम इसका कारण देख लेते हैं। यहां पर यह लिखा है कि ये खरीद अनरजिस्टर्ड डीलर से की गई है, बस यही कारण है कि GST कैलकुलेट नहीं हो रहा है। जबकि हमको ये बात पता है कि हमने ये खरीद रेगुलर डीलर से की है और उसने हमसे GST भी चार्ज किया है। मतलब हमने पार्टी की डिटेल्स में कुछ गलत सिलेक्ट कर लिया है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। उसके लिए पार्टी अकाउंट नेम पर चलते हैं। हमने माल नकद में खरीदा है, ये तो सही है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। पार्टी डिटेल्स में हमने नाम, पता, स्टेट तो सही लिया है, पर ये यहां GST रजिस्ट्रेशन टाइप में गलती कर दी है। यहां पर हमने रेगुलर की जगह पर अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट कर लिया है, तो चलो इसको ठीक कर लेते हैं। यहां पर पार्टी का GST नंबर टाइप कर देंगे। ये देखिए, अब टैक्स कैलकुलेट हो गया है। आगे समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के साथ ही हमने 31 मई से कुरियर सर्विस का काम भी शुरू कर दिया है, जिसमें हम दूसरों से कुरियर सर्विस लेते हैं यानी खरीदते हैं, और फिर अपने ग्राहकों को कुरियर सर्विस देते हैं यानी सेल करते हैं। सर्विसेज कैसे खरीदी और बेची जाती है, ये हम आपको वीडियो नंबर 86 में बता चुके हैं। यहां हम कुरियर सर्विस परचेस करने के लिए एड वाउचर से परचेस वाउचर ओपन कर लेते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, सर्विसेज में आइटम की तरह क्वांटिटी नहीं होती, तो हम इस वाउचर को आइटम इनवॉइस मोड से अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कर लेते हैं। यहां डेट चेंज कर लेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में हमें उस कुरियर सर्विस सप्लायर का लेजर सिलेक्ट करना है जिससे हम ये कुरियर सर्विस खरीद रहे हैं। समझने के लिए मान लेते हैं कि ये सर्विस हमने अपने सप्लायर रमन ट्रेडर्स से ली है। पर्टिकुलर में हम जो सर्विस खरीद रहे हैं उसका लेजर सिलेक्ट करना होगा, जो कि बना हुआ नहीं है, तो हम कुरियर सर्विस के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। अंडर में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक तरह का खर्च है। सेट और ऑल्टर GST डिटेल्स ऑप्शन को यस कर देंगे। यहां उसकी GST डिटेल्स देंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। इसकी जगह पर अगर आप लिस्ट में से कुछ और सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है किसी किसी बिल में GST कैलकुलेट करने में दिक्कत आए। यहां पर कुरियर सर्विस का अमाउंट डाल देंगे। इसके बाद CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट करेंगे। ये हमने कुरियर सर्विस खरीदने की एंट्री कर ली है।
आइए अब हम इस कुरियर सर्विस को बेचने की एंट्री करके देख लेते हैं। पर्टिकुलर में हम कुरियर सर्विस का लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं, यहां पर अमाउंट टाइप कर रहे हैं, पर ये देखिए CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट करने पर टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो चलिए टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। ये यहां पर मैसेज आ रहा है, दिस वाउचर हैज नो टैक्स इम्प्लीकेशन / टैक्स एनालिसिस इज नॉट सपोर्टेड। इसका मतलब ये है कि हमने लेजर या अकाउंटिंग ग्रुप में GST रेट सेट नहीं किया है और यही वजह है कि टैक्स एनालिसिस सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब यहां पर हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि जब हमने कुरियर सर्विस का ये लेजर परचेस के समय लिया था तब तो टैक्स कैलकुलेट हो गया था, पर सेल्स में टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो हम कुरियर सर्विस के लेजर पर जाकर कंट्रोल और एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए ये लेजर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर बनाया है, जबकि जब हम कुछ बेचते हैं तो वहां पर हमारी इनकम होती है, यानी ये लेजर इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में होना चाहिए था। अब मान लीजिए यहां पर हम इसका ग्रुप चेंज करते हैं तो यही दिक्कत जो अभी सर्विस सेल करने में आ रही है वो सर्विस परचेस करने में आएगी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम इस लेजर को सिर्फ परचेस के लिए उपयोग करें और इसकी अलग पहचान के लिए हम इसके नाम के बाद परचेस टाइप कर रहे हैं। अब यहां सेल्स के लिए हम एक नया लेजर बना लेते हैं। ध्यान रखें कि ये सेल्स वाला लेजर हम इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत बना रहे हैं। अब ये देखिए यहां पर CGST और SGST दोनों कैलकुलेट हो गए हैं। सार ये है कि किसी एक ही तरह की सर्विस खरीदने और बेचने के लिए अलग अलग लेजर्स बनाएं और पहचान के लिए उन लेजर्स के पीछे परचेज और सेल्स लिख दें। चलिए अब एक और गलती के बारे में समझ लेते हैं जो अक्सर लोग करते हैं। कई बार हम F12 की प्रेस करके जाने अनजाने में मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ GST ऑप्शन को यस कर देते हैं। अब इससे क्या समस्या खड़ी होती है वो समझ लेते हैं। यहां पर पार्टी नेम में हम विक्रम ट्रेडर्स, जो कि हमारे ही स्टेट का कस्टमर है, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब जब हम सेल्स वाउचर में सेल्स का लेजर और यदि परचेस वाउचर में परचेस की एंट्री कर रहे हो तो उस समय परचेस का लेजर सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं तो ये इस तरह की एक छोटी स्क्रीन आती है। अब यहां पर हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो एक लिस्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस की आती है। अक्सर लोग इसमें से अपनी समझ से कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहां हमने इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट कर लिया है और आगे बढ़ गए हैं। यहां पर हमने LGTV ले लिया। अब चूंकि कस्टमर हमारी ही स्टेट का है इसलिए यहां पर हम CGST और SGST लगा रहे हैं। अब ये देखिए टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। कारण समझने के लिए हम टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। ये देखिए यहां पर लिखा है मिसमैच इन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका मतलब ये है कि हमने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करने में गलती की है। अब सवाल ये है कि हमें मालूम है कि ये हमारी ही स्टेट का कस्टमर है फिर भी GST कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो क्यों? हम वापस पार्टी अकाउंट नेम पर चलते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पार्टी तो हमारी ही स्टेट की है पर यहां हमने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट किया है जो कि गलत है।
यहाँ इस लिस्ट में से वो नाम सिलेक्ट करना चाहिए जिस तरह की सेल हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ हम अपनी ही स्टेट में सेल कर रहे हैं तो हमें सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए, ऐसा करते ही टैक्स कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पर हम आपसे दो बात कहना चाहेंगे। पहली तो ये कि यदि जरूरी ना हो तो मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी ऑप्शन को नो ही रखें। दूसरी, यदि मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी ऑप्शन को इनेबल रखते हैं तो किसी भी कंफ्यूजन से बचने का सीधा तरीका है कि यहां पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें। ऐसा करने से आपको किसी भी तरह का बिल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनके कारण इनवॉइस में जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।